रीएचपी सिंपल फॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस लेक्चर के लिए मौलिक कर्तव्य टॉपिक निर्धारित किया गया है और हम लोग देखेंगे कि मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, इसके संदर्भ में क्या ऐतिहासिक व्यवस्थाएं रही, इसके क्या आधार रहे हैं और इसी के साथ साथ इसके संदर्भ में क्या और सुझाव इसमें हो सकते हैं जिससे मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था को अत्यधिक उपयोगी बनाया जा सके, लोगों में कर्तव्य भावना को पैदा किया जा सके। तो इन सभी टॉपिक को हम लोग आज के इस लेक्चर में देखेंगे और इसके माध्यम से इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि हम पहले इसके संवैधानिक प्रावधान को समझने का प्रयास करेंगे, इसके संवैधानिक प्रावधानों में क्या क्या चीजें व्यवस्थित की गई हैं, तो जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था संविधान लागू होने के समय नहीं थे, बाद में स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसे शामिल किया गया था। यानी कि स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन में इसमें शामिल किया गया था और इसके लिए भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का ये जोड़ा गया था, क्योंकि पूर्व में व्यवस्था नहीं थी इसलिए भाग 4 का जोड़ा गया और 51 का के अंतर्गत स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 10 कर्तव्य इसमें निर्धारित किए गए थे और पुनः 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से इसमें 11वां भी कर्तव्य जोड़ा गया और इसमें बताया गया कि माता पिता को अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर उपलब्ध करवाना उनका दायित्व होगा कि वह अपने बच्चों को, माता पिता और संरक्षक अपने बच्चों को या अपने पालियों को शिक्षा के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाएंगे। तो इस तरीके की व्यवस्था आप संवैधानिक रूप में देखने को पाते हैं कि स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा की गई रिकमेंडेशंस के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया है। अब हम आते हैं अर्थ पर। मौलिक कर्तव्य से तात्पर्य संविधान के द्वारा नागरिकों से अपेक्षित उन दायित्वों और व्यवहारों से है जिसे उन्हें देश के राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, राष्ट्र की एकता और अखंडता, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की पर्यावरणीय व्यवस्थाएं, यहाँ की नदियां, यहाँ की भाषा और शिक्षा के संदर्भ में बच्चों के लिए जो दायित्व हैं इसके संदर्भ में अपेक्षा किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मौलिक कर्तव्य से तात्पर्य नागरिकों के द्वारा उन अपेक्षाओं से है, उन दायित्वों से है जिसे संविधान इन सभी क्षेत्रों में, यानी कि पर्यावरण, देश की, राष्ट्र की एकता, अखंडता इत्यादि के संदर्भ में अपेक्षा किया जाता है। जो संविधान के अंतर्गत व्यवस्थाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, वही मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं कि व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की सुविधाओं के साथ साथ इन दायित्वों का भी निर्वहन करना चाहिए जिससे यहाँ की संस्कृति, यहाँ की संविधान, यहाँ के विज्ञान, इन सभी चीजों में एक सामंजस्य बन सके और एक स्वस्थ संस्कृति का विकास हो सके। तो इस तरीके से अर्थ के अंतर्गत आप लोगों ने यहाँ पर देखा। जैसे कुछ ऐसे टॉपिक है जिसके बारे में यह बोला जाता है कि इस पर अगर लिखने को आ जाए कि क्या लिखा जाए, जैसे मुख्य परीक्षा के स्तर में भी अगर आ जाए तो क्या लिखा जाए, तो इस तरीके के अगर सिस्टम, इस तरीके के पॉइंट्स क्रमिक रूप से, क्रमागत रूप से विकसित किया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि मौलिक कर्तव्य के टॉपिक पर आपको लिखने में कोई समस्याएं होगी। जैसा कि आप लोग एक एक टॉपिक के अंतर्गत आप देखेंगे, इस मौलिक कर्तव्य टॉपिक के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं में किस तरीके से जो है आपको विषय और आपको अध्ययन सामग्री मिलता हुआ जा रहा है और इस पर एक बड़ा सा आंसर आप जो है लिख सकते हैं, इवन कि इस पर निबंध भी लिखा जा सकता है, हालांकि उसमें कुछ और आयामों को शामिल किया जा सकता है। इस तरीके के पैटर्न इसलिए डेवलप करवाए जाते हैं, आप लोगों को मानसिक स्तर पर तैयारी करवाई जाती है जिससे कि मुख्य परीक्षा की जो एक संस्कृति है, जो एक कल्चर है, वो आपके पास विकसित हो सके। क्योंकि मुख्य परीक्षा में जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक पैटर्न विकसित हुआ है, डेवलप हुआ है, परिवर्तन हुआ है कि वहां पर भी आपको छोटे छोटे सवाल लिखने को आ रहे हैं और अगर इस पैटर्न पर आप अपनी समझ को विकसित करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको इस प्रकार के सवालों के उत्तर को एग्जाम में लिखने में आसानी होगी। तो यहां पर अर्थ आप लोगों ने देख लिया कि इसमें किस तरीके के संविधान के द्वारा नागरिकों से अपेक्षा, आधार कि मौलिक कर्तव्य को रखने के क्या आधार है। जैसा कि आपको जानकारी है कि यहां पर मौलिक अधिकार
और नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई थी और 1976 ईस्वी में मौलिक कर्तव्य को भी यहाँ पर जोड़ा गया। तो मौलिक कर्तव्य को, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के सबसे पहली बात यह है कि पूरक के रूप में जोड़ा गया है। पूरक इसलिए है क्योंकि मौलिक अधिकार से व्यक्ति को कुछ सहूलियत, कुछ सुविधाएं मिलती है जिससे वह अपना और अपने परिवार, अपने समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान देता है। मौलिक कर्तव्य जो है इसके पूरक के रूप में जोड़ा गया है क्योंकि इसके माध्यम से नागरिकों की कुछ दायित्व निर्धारित होते हैं, राष्ट्र के प्रति उनके कर्तव्य निर्धारित होते हैं जिससे राष्ट्रवाद की भावना का विकास हो सके, एक सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था का निर्माण हो सके सार्वजनिक संपत्ति के संदर्भ में, नदी तालाब के संदर्भ में और इसी तरीके से यहाँ राष्ट्र की एकता अखंडता के संदर्भ में, राष्ट्रगान राष्ट्रगीत के संदर्भ में लोगों की निष्ठाएं केंद्रित हो सके और उस पे अपनी निष्ठा को व्यक्त करते हुए राष्ट्रवाद की भावना में वो अपना योगदान दे सके। और वहीं पर नीति निर्देशक तत्व तो राज्यों के कर्तव्य का भी निर्धारण करता है कि राज्य से अपेक्षाएं की गई हैं कि इस भाग चार के अंतर्गत जो भी विषय निर्धारित किए गए हैं जो कि आवश्यक हैं देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, लोगों के विकास के लिए, विशिष्ट प्रकार के वर्गों के लिए, वह अपना कर्तव्य राज्य यहाँ पर अदा करेगा। यानी कि मौलिक कर्तव्य से जहाँ पर व्यक्ति के दायित्व निर्धारित होते हैं नीति निर्देशक तत्वों में, वहीं पर राज्य के अधिकार, वहीं पर राज्य के कर्तव्य और राज्य के दायित्व निर्धारित होते हैं और मौलिक अधिकार से व्यक्ति को सुविधाएं मिलती हैं जिससे वो अपना विकास कर सके। तो इस तरीके से ये व्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे की पूरक है, यानी कि मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, ये तीनों एक दूसरे के जो पूरक के रूप में है और एक दूसरे की जो है, एक दूसरे की देखा जाए तो पूरक रूप में अपनी भूमिका को अदा करते हुए संपूर्ण देश के विकास में अपना योगदान करती हैं। तो ये आधार के रूप में इस बात की व्याख्या की जा सकती है। अब हम आते हैं विशेषताओं पे। विशेषताओं के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था ये द्विआयामी है। एक तो कुछ नागरिक हैं, कुछ नैतिक हैं, नैतिक कर्तव्य हैं, कुछ जो है नागरिक। नैतिक कर्तव्य जैसे मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत ये बताया गया है कि हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनके प्रति सम्मान की भावना रखा जाए, तो यह एक नैतिक कर्तव्य है। इसी तरीके से नागरिक कर्तव्य भी है कि राष्ट्र की एकता अखंडता में बनाए रखने में अपना योगदान दें, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के प्रति सम्मान व्यक्त करें, उसका आदर करें, तो यह एक नागरिक कर्तव्य के रूप में है। तो इस तरीके से विशेषताओं के अंतर्गत ये जो है द्विआयामी जो है विशेषताओं को अपने में समेटे हुए। इसी तरीके से मौलिक कर्तव्य की विशेषताएं हैं, ये नागरिकों के लिए है, ये नागरिकों के लिए है। जैसे मौलिक कर्तव्य नागरिकों के लिए है, वहीं पर मौलिक अधिकार जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए भी था और निवासियों के लिए भी था, क्योंकि यहाँ पर निवास करने वाले कुछ ऐसे भी लोग हो सकते जो यहाँ के नागरिक ना हो, कुछ दिनों के लिए वीजा पर आए हों, विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलती रहती हैं तो विदेश के लोग भी यहाँ पे आके रहते हैं तो उनको भी प्राप्त होता है, लेकिन मौलिक कर्तव्य जो है वो नागरिकों से ही अपेक्षा करता है क्योंकि नागरिक यहाँ के राष्ट्र के होते हैं और राष्ट्र के विकास में उन्हीं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, उन्हीं की निष्ठा हो सकती है। तो इस तरीके से मौलिक कर्तव्य जो है वो नागरिकों को दिया गया है और मौलिक अधिकार नागरिकों और अन्य निवासियों को भी दिया जाता है। तो इस तरीके से यहां पर अंतर है। जैसे मौलिक अधिकार में हम लोग देखते थे कि 15, 16, 19, 29 और 30 जब हम लोग इसकी चर्चा कर रहे थे मौलिक कर्तव्य अधिकार की, तो यह बताया गया था कि ये केवल इन्हीं अनुच्छेदों को नागरिकों को प्रदान किया गया है कि इसके संदर्भ में जो प्रावधान और सुविधाएं संरक्षण दिया गया है वो यहाँ के नागरिकों को ही केवल प्राप्त होंगे और अन्य सभी मौलिक अधिकार जो है वो इनके साथ साथ, नागरिकों के साथ साथ अन्य लोगों को भी प्राप्त होता है। तो यहाँ पर विशेषताओं के रूप में इस तरीके की विशेषताएं हैं। अब हम महत्व पर आते हैं, इसके महत्व भी कुछ निर्धारित किए गए हैं। महत्व कहने का मतलब यह है कि अगर देखा जाए तो यह एक सचेतक के रूप में, सचेतक के रूप में यह है कि यह हमेशा नागरिकों को ये याद दिलाते रहते हैं कि हमें सार्वजनिक विषयों के प्रति किस तरीके से अपनी भूमिका को अदा करना चाहिए और
इस तरीके से देश की जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं उसको तोड़फोड़ नहीं करना चाहिए, नदियों है उसको पवित्र रखने का प्रयास करना चाहिए, उसकी सफाई करनी चाहिए, उसमें गंदगी नहीं प्रवाहित करना चाहिए। इसी तरीके से है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का आदर करना चाहिए, क्योंकि ये देश की एक उपलब्धि है, देश के लिए एक जो प्रावधान है और यह एक जो है अनुपम व्यवस्था है देश के लिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की, तो इसके प्रति आदर भाव रखना चाहिए। तो ये हमेशा एक सचेतक की भूमिका अदा करते रहते हैं। समाज विरोधी गतिविधियों को भी ये रोकने का काम करते हैं, समाज विरोधी गतिविधियों को ये रोकने का भी काम करते हैं। इसके अंतर्गत ये चीजें बताई जाती हैं कि समाज के जैसे कोई ऐसी सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संस्कृति है और उसके विरुद्ध कोई एक्टिविटी है, तो ये मौलिक कर्तव्य हमें ये बताते हैं कि उन गतिविधियों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी सामाजिक संस्कृति के विरुद्ध है। तो कहीं कहीं समाज विरोधी गतिविधियों पर ये लोग रोक लगाते हैं। इससे अनुशासन की विभावना का जो है विकास होता है, और इसी तरीके से निर्वचन, न्यायालय द्वारा निर्वचन के समय भी ये विभिन्न प्रकार के विषयों पर जब न्यायालय के द्वारा विचार किया जाता है, उन विषयों का निर्वचन किया जाता है और एक निर्णय की तरफ बढ़ने का प्रयास किया जाता है, तो वहां पर मौलिक कर्तव्य के आधार पर निर्वचन में आसानी होती है। और ये ध्यान में रखा जाता है कि चूंकि मौलिक कर्तव्य में इन बातों को शामिल किया गया है, अतः इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि उसका भी उल्लंघन ना हो। तो इस तरीके से इनका महत्व इन सभी बिंदुओं में देखने को मिलता है। अब इसी तरीके से हम आते हैं आलोचना पे। आलोचना भी इनकी कुछ आधारों पर की जाती है, जैसा कि नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में था, वही आलोचना इसके लिए भी होती है कि ये न्यायिक छवि के नहीं है, यानी कि अगर इनका भी कोई भी नागरिक अनुपालन नहीं कर सकता है तो न्यायालय से जाकर इसे लागू नहीं करवाया जा सकता है, या न्यायालय में उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है कि इसके संदर्भ में किसी व्यक्ति के द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा, क्योंकि इस पर पर्याप्त कानून का अभी अभाव। इसी तरीके से इसके उल्लंघन करने की स्थिति में दंड की व्यवस्था का भी अभाव है, इस पर अभी दंड के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया है, और इसीलिए इसका अनुपालन भी उस स्तर पर नहीं हो पाता है जिस स्तर पर होना चाहिए, जिस स्तर पर लोगों की निष्ठा इसके प्रति व्यक्त होनी चाहिए। तो इस तरीके से इसमें दंड का भी जो है अभाव देखा जाता है। इसमें कुछ क्लिष्ट व्यवस्थाएं भी, जटिल व्यवस्थाएं भी इसमें लागू की गई हैं, जो सामान्य लोगों को समझ में नहीं आती हैं। ज्ञानार्जन है, सामासिक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, तो इस तरीके की व्यवस्थाएं सामान्य लोगों की समझ से परे होती हैं। लेकिन इन सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए हमें ये सोचना चाहिए कि जो व्यवस्थाएं नहीं समझ में आती हैं, वो व्यवस्थाएं अगर की गई हैं तो उसको समझने का प्रयास होना चाहिए, और उसको समझ करके ही हम संविधान और संविधान निर्माताओं के भावना का सम्मान कर सकेंगे, और उसके अनुपालन के आधार पर अपने व्यक्तित्व विकास और राष्ट्र निर्माण के बीच संतुलन स्थापित कर सकेंगे। इसी के साथ इसमें एक सुझाव ये भी दिया जा सकता है कि कुछ ऐसे जो विषय हैं जिसे इसमें शामिल किया जा सकता है, जो समसामयिक राष्ट्रीय, आर्थिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। जैसे मतदान के संदर्भ में, एक लोकतांत्रिक देश में जितने भी ज्यादा मतदाता प्रतिभाग करते हैं उतना ही लोकतंत्र मजबूत होता है, तो कहीं ना कहीं इसमें मतदान के लिए जो है प्रावधान होना चाहिए। कर को जो है जमा करने के संदर्भ में एक व्यवस्था होनी चाहिए कि लोगों को अपने कर का भुगतान होना चाहिए। इसी तरीके से स्वच्छता की एक वैचारिकी का जो है विकास होना चाहिए। बच्चों के, महिलाओं के जो है सम्मान की भी बात इसमें शामिल होनी चाहिए। तो इस तरीके से कुछ इसमें सुझाव की भी बातें अगर डाली जाए इस आधार पर, तो यह पूर्ण हो सकता है, इसकी सूची पूर्ण हो सकती है, मौलिक कर्तव्य की सूची पूर्ण हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य इसमें कुछ अभी और भी व्यवस्थाएं इसमें अपेक्षित है और होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं निष्कर्ष के रूप में। जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट होता है तो उसकी एक पूरी ढांचा होता है, एक पूरा खाका होता है, अंत में उसमें सुझाव भी होते हैं, आलोचना भी होते हैं और निष्कर्ष भी होते हैं। निष्कर्ष के अंतर्गत हम देखेंगे कि जो ये व्यवस्थाएं की गई हैं वो कितना व्यवहार में है, उसमें क्या चीजें कमियां हैं और क्या और होना चाहिए। तो निष्कर्ष के संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि इसको लागू करने के लिए जो है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951,
इसके क्रियान्वयन की अगर बात किया जाए तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 बेसिक रूप में पारित किया गया है और इसमें समय समय पर संशोधन भी होते रहे हैं। इसी तरीके से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 इसमें लागू किया गया है। इसी तरीके से और कानून इसमें बनाए गए हैं, जैसे राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, जिसमें झंडे उंडे के संदर्भ में बातें की गई हैं कि झंडे और उसके संदर्भ में जो व्यवस्थाएं हैं, जो उसके प्रति रिस्पेक्ट की भाव है, जैसे झंडे के प्रति एक रिस्पेक्ट भाव होना चाहिए, अगर झंडे का कहीं अपमान किया जाता है तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, तो राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 इसके संदर्भ में पारित किया गया है। और इसी तरीके से जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, समय समय पर जो भी हमारी प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं, उपलब्धियां हैं, जो उपस्थिति यहाँ है, उसके प्रति समय समय पर अलग अलग कानून यहाँ पर बनाए जाते रहे हैं। 1999 ईस्वी में बर्मा समिति बनाई गई थी और यह समिति मुख्य रूप से मौलिक कर्तव्यों के प्रावधानों की जो है समीक्षा करता है और अन्य सभी मौलिक कर्तव्यों को जो कि इसमें जोड़े जाने योग्य हैं उस पर अपनी रिकमेंडेशंस दिया है। तो इस तरीके से समय समय पर इसके संदर्भ में कई प्रावधान और व्यवस्थाएं की जाती रही हैं। 1999 ईस्वी में, चूंकि 1976 ईस्वी में इसे बनाया गया, इसकी व्यवस्था की गई, तो ये महसूस किया गया कि 1976 ईस्वी तक आध्यात्मिक कुछ और व्यवस्थाएं हो सकती हैं या वर्तमान व्यवस्थाओं की समीक्षा हो सकती है। तो 1999 ईस्वी में बर्मा समिति का भी इसमें गठन किया गया था। बेसिकली अंत में ये कहा जा सकता है कि जैसे मौलिक अधिकार नीति निदेशक तत्वों के पूरक के रूप में मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था की गई थी, इसे एक औपचारिक व्यवस्था के साथ साथ एक नैतिक व्यवस्था भी की गई कि इसके माध्यम से लोग देश के प्रति अपनी सम्मान, अपनी निष्ठा को व्यक्त करें। लेकिन जिस तरीके से हमारे देश में शिक्षा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ही लोगों में एक स्वस्थ विचार की अवेयरनेस विकसित हो रहा है और कुछ चीज़ों के संदर्भ में बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और जिस तरीके से प्रगति हो रही है चारों तरफ से, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमारी एक पहचान बनती जा रही है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम इन सभी लक्ष्यों को धीरे धीरे प्राप्त करने में सफल होंगे, अपनी सामाजिक और लंबे समय से आने वाली संस्कृति की व्यवस्था को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर सकेंगे। तो इस तरीके से आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत संवैधानिक प्रावधान, उसके अर्थ, उसके आधार विशेषताएं, महत्व, आलोचना और निष्कर्ष, इस तरीके के एक कर्मागत बिंदुओं पर अध्ययन किया और एक समझ पैदा करने की जो है प्रयास किया। तो इस तरीके के टॉपिक यहाँ पर इसलिए बताए जाते हैं ताकि किसी भी विषय, किसी भी टॉपिक के संदर्भ में आपकी एक जो है अवधारणात्मक समझ विकसित हो सके। अवधारणात्मक समझ का तात्पर्य यह होता है कि किसी विषय से जुड़ी हुई सभी बिंदुओं का कर्मागत रूप में एक सामान्य समझ का पैदा होना। तो इससे एक समझ पैदा हो जाता है और परीक्षा में, चाहे वो प्रारंभिक स्तर की परीक्षा हो, जो कि अक्सर यहाँ से सवाल पूछे जाते रहे हैं, वो भी हल हो जाएंगे। मेंस के लेवल में भी अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो यहाँ से उसे हल करने में आपको आसानी होगी। तो मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में इस टॉपिक में हमने इन सभी बिंदुओं का अध्ययन किया। मौलिक कर्तव्य पर कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं जिसे हम अगले लेक्चर में विभिन्न परीक्षाओं में जो सवाल पूछे गए हैं उसको हल करवाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से आपके मन में जो सवाल उत्पन्न हो सकते हैं या जो लोक सेवा आयोग आपसे अपेक्षा कर सकता है या विभिन्न प्रकार के बोर्ड और कमीशन आपसे अपेक्षा कर सकते हैं, उसमें जो भी उसके डायमेंशन हैं, आयाम हैं, उसकी गहराइयाँ हैं, उससे सवाल जो पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, जिससे इस अवधारणात्मक यानी कि कॉन्सेप्चुअल स्टडी के साथ साथ विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए फैक्चुअल जो क्वेश्चन हैं उसकी भी तैयारी आपकी एक बेहतर हो सकेगी। तो आज का ये लेक्चर यहीं तक है, पुनः अगले लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।